श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इन वीडियो लेक्चर्स में हम फाइलम प्लैटिहेल्मिंथ्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने फाइलम प्लैटिहेल्मिंथ्स की क्लासिफिकेशन देखी थी और उसकी पहली क्लास टर्बल एरिया के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम सेकेंड क्लास जो ट्रेमाटोडा है उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन को जानेंगे कि उनके अंडर कितने ऑर्डर्स आते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। पिछले वीडियो में हमने टर्बल एरिया के ऑर्डर्स देख लिए थे टोटल 5 और उनके जो एग्जांपल्स थे उनको भी डिस्कस कर लिया था। तो अभी अपन ट्रेमाटोडा से स्टार्ट करते हैं कि क्या है इनकी विशेषताएं और क्या है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो विल स्टार्ट। अब ट्रेमाटोडा जो है वो बेसिकली दे आर एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, दोनों हो सकते हैं। एंडो पैरासाइट, ओके, एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। इनको कॉमनली फ्लूक्स बोला जाता है, कॉमनली नोन एज फ्लूक्स। अब आपसे कोई अगर क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आए कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको फ्लूक्स कहा जाता है कॉमन नेम, और अगर उसमें ऑप्शन ट्रेमाटोडा हो तो आप ट्रेमाटोडा में लगाएंगे, अगर ट्रेमाटोडा ऑप्शन ना हो प्लैटिहेल्मिंथ्स हो तो आप प्लैटिहेल्मिंथ्स पे लगा सकते हैं। जनरली इनको टेपवर्म बोला जाता है, बट अगर आपसे फ्लूक्स पूछा जाए तो ऑप्शन में हमेशा आपको ट्रेमाटोडा मिलेगा। ओके, तो ये एक वन वर्ड क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे जो इन, तो इनकी जो बॉडी है एक तो अनसेगमेंटेड और फ्लैट बॉडी होती है, बॉडी इज फ्लैट, फ्लैटेंड बॉडी, दिस इज अनसेगमेंटेड। वन सेकेंड, सॉरी फॉर दैट, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, ओके, फ्लैटेंड बॉडी फ्लैट होती है, वो तो हमने पहले से डिस्कस किया था। अनसेगमेंट होती है, कोई सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती है, डिवाइडेड पार्ट्स नहीं होते हैं, सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती है। आगे अपन देखते हैं जो इनकी बॉडी है, ये फ्लैटेंड बॉडी, ये कवर्ड रहेगी एक थिक क्यूटिकल से, बॉडी इज कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल, एक लेयर होगी क्यूटिकल की, थिक क्यूटिकल लेयर से ढकी हुई होगी इनकी बॉडी, और वो जो लेयर है एक तो थिक होगी मोटी, और मोटी होने के कारण क्या होगी, रेसिस्टेंट, ज़्यादा देर तक टिकने वाली, ज़्यादा टाइम तक, बहुत टाइम तक टिकने वाली, ख़राब ना होने वाली, और ये सब एक होता है ना डिसफंक्शन ना होने वाली, वैसी सीलिया नहीं होंगे, डिवॉइड ऑफ सीलिया, सीलिया आर एब्सेंट, सो नो सीलिया। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सकर्स एंड हुक्स प्रेजेंट होते हैं, सकर्स मैंने बोला था सकिंग ऑर्गन्स, सकर्स एंड हुक्स आर प्रेजेंट। अब इन्हीं ऑर्गन्स की मदद से वो जो पैरासाइट्स हैं, ये पैरासाइट्स वो अपने होस्ट में एंटर करेंगे। अब एंडो पैरासाइट्स अगर है तो एंडो पैरासाइट्स तो अंदर जाएंगे होस्ट के, होस्ट के अंदर जाके अपना जो लाइफ है उसको चलाएंगे, तो उसके लिए अंदर जाने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। तो सकर्स और हुक्स टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो पेनिट्रेट करके बॉडी को, पेनिट्रेट करके बॉडी को आपके ऑर्गेनिज्म को अंदर लेते हैं या अंदर ऑर्गेनिज्म जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, इतना आपने लिख दिया होगा आई होप। मूविंग ऑन, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द माउथ इज टर्मिनल, वहाँ सब टर्मिनल माउथ अपन ने पढ़ा था पहले, यहाँ पे टर्मिनल माउथ है,
दैट मीन्स कि अपर एंड लोअर जॉ आर इक्वल, दे आर इक्वल, अपर एंड लोअर जॉ आर इक्वल. ओके, सो माउथ इज टर्मिनल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होगा बट एनस नहीं होगा. डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड विदाउट एनस. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड विदाउट एनस, देयर डज नॉट हैव एनस. सेंस ऑर्गन जो है यूजुअली एब्सेंट इन एडल्ट्स. सेंस ऑर्गन जो है वो एडल्ट्स में जनरली एब्सेंट होते हैं, आपको नहीं मिलेंगे एडल्ट्स में. प्री मेच्योर फॉर्म में आपको सेंस ऑर्गन शायद मिल सकते हैं बट एडल्ट्स फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे. जनरली दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट. बताया था हर्माफ्रोडाइट का मैंने, मतलब हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं वैसे ऑर्गन जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं. दे डोंट नीड एनी अदर इंडिविजुअल टू रिप्रोड्यूस. ओके, सो दे आर हर्माफ्रोडाइट्स. नेक्स्ट अपन देखते हैं डेवलपमेंट जो है ज़्यादातर डायरेक्ट होता है. पर कुछ फॉर्म में आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी मिल जाता है. इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग से एडल्ट स्टेज में. बीच में जो स्टेजेस आते हैं वो स्टेजेस नहीं होंगे. ओके, डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों टाइप के डेवलपमेंट आ सकते हैं इसमें. नेक्स्ट अपन चलते हैं क्लासिफिकेशन पे. इनकी क्लासिफिकेशन को देखें तो ट्रीमाटोडा को बेसिकली दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है. ये चीज़ याद रखना आप लोग कि अपन क्लास पढ़ रहे हैं तो क्लास के बाद ऑर्डर आता है. अगर आपको सीरियल याद हो, पूरा सीक्वेंस याद हो, तो क्लास के बाद ऑर्डर आता है. सो इसको दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है. आप कभी भी देखोगे तो क्लास के बाद ऑर्डर अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमेशा सब क्लास आएगा. सो क्लास के बाद सब क्लास आएगा. कभी कभार होता है सब क्लास आए, किसी को डिफ्रेंशिएट करने में, क्लासिफाई करने में, अगर कोई बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ वाले ऑर्गेनिज्म है, तो उनको फर्दर सब क्लास में डिवाइड करना पड़ता है. बट जनरली क्लास के बाद ऑर्डर आता है. आपको पूरी की पूरी सिक्वेंस आई थिंक याद ही होगी. तो अपन इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं. ओके, ऑर्डर्स. सो दे हैव टू ऑर्डर, मोनोजीनिया मोनोजीनिया एंड द सेकेंड ऑर्डर इज डाइजीनिया. मोनोजीनिया एंड डाइजीनिया, जब ऐसे नाम होते हैं तो याद करने में आसानी होती है. समझ लो कि ये छोटा भाई है मोनो और ये बड़ा भाई है डाई, तो इस चीज़ को याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी. मोनोजीनिया एंड डाइजीनिया दोनों के क्लासिफिकेशन देख लो आप एग्जांपल्स. सो जो मोनोजीनिया में आएंगे वो ऑर्गेनिज्म होंगे डाइप्लोजोन्स, मोनोजीनिया में आएंगे डाइप्लोजोन्स. और डाइजीनिया की बात करें तो यहाँ पे आएगा आप सबका थोड़ा बहुत जाना पहचाना ऑर्गेनिज्म फैसियोला. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक क्लासिफिकेशन. दिस इज़ मोनोजीनिया छोटा भाई एंड डाइजीनिया बड़ा भाई. तो इन दोनों की क्लासिफिकेशन अपने देख लिए, एग्जांपल देख लिए, डिप्लोजोन्स एंड फैसियोला. फैसियोला के बारे में सबको पता ही होगा.
ट्रिमाटोडा खत्म हो गया। नेक्स्ट जो इसकी क्लास है थर्ड क्लास वो है सिस्टोडा, जो कि थोड़ी बड़ी है, जिनको सब फाइलम में डिवाइड किया गया है एंड फर्दर ऑर्डर में डिवाइड किया गया, तो उसको हम होल एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।